डेली श्लोक ऑफ भगवत गीता ताकि आप स्क्रॉल करते करते एक नई चीज सीख जाओ। दोस्तों पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब हम हमारे पूरी लाइफ के प्रॉब्लम्स कृष्ण को सरेंडर करते हैं, व्हेन यू नो व्हेन द सेंसेस एंड माइंड आर नॉट वर्किंग एंड यू सरेंडर इट टू ऋषिकेश, ऋषिकेश जब अपनी आवाज उठाते हैं, यू नो विच इज वॉट वी सॉ इन श्लोक नंबर 14 एंड 15, जब वो शंख बजाते हैं तो उससे क्या होता है, जब अपनी अंदर का जो कॉन्शियंस है, जो कृष्ण का अंश है, जब वो उसकी आवाज हम सुनने लगते हैं ना, तो हम खुद यानी कि अर्जुन वो शंख बजा रहे हैं, फिर भीम शंख बजा रहे हैं। यू नो टुडे वी विल टॉक अबाउट 16, 17, 18। दोस्तों मैं गारंटी करता हूँ ये सीक्रेट अपने सुना ही नहीं होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ कृष्णस इनिशिएटिव ऑफ यू नो इंस्पायरिंग। 16, 17, 18 में जैसे ही भीम अर्जुन ने शंख बजाया, उसके बाद युधिष्ठिर शंख बजा रहे, देन नकुल अपना शंख बजा रहे, धीरे धीरे करते करते सारे पांडवास अपना शंख बजाने लगते हैं, पूरा यू नो मोटिवेट हो जाते हैं वो लोग पॉजिटिव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जब कृष्ण शंख बजाते हैं तो फिर अर्जुन शुरू होते हैं, भीम शुरू होते हैं, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। ऋषिकेश का मतलब है द लॉर्ड ऑफ द सेंसेस, फाइव सेंसेस के लॉर्ड। जब लॉर्ड को कंट्रोल दिया तो फाइव सेंसेस भी एक्टिव हो जाते हैं। कौन? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव। दिस इज व्हाट गीता टॉक्स अबाउट न्यूरोलिस्टिक प्रोग्रामिंग, कि सारे सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं जब ऋषि के सेंसेस के भगवान को हम कंट्रोल दे देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जय श्री कृष्ण लिख देना कमेंट में। फॉलो फॉर मोर।